गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन मेरा नाम है डायमंड गुप्ता और मैं आपका आज का एनालिसिस 31th ऑफ मार्च के लिए देने आया हूं और फिलहाल के लिए जो मार्केट का सिनेरियो है मैंने आपको परसों जब एनालिसिस दिया था 28th को 29th के लिए दिया था करेक्ट सो उस पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट का इमोशन कभी भी चेंज हो सकता है जिस तरह से वो मीम है ना एकदम से उन्होंने वक्त बदल दिए जज्बात बदल दिए वही हुआ है मार्केट में अचानक से मार्केट जहां नीचे जाने वाला था वहां ऊपर चला गया सब लोग डर गए लेकिन मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज में है और एक्सपायरी पास है मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रेड्स आपके रहेंगे वो किसी एक साइड तो मार्केट मूवमेंट करना ही है वेटनेसडे को ये चीज मैंने क्लियरली आपको बताया था और वो साइड कौन सा होगा कि अगर मार्केट नेगेटिव गया तो वो निफ्टी में आएगा और अगर पॉजिटिव गया तो वो बैंक निफ्टी में आएगा हाँ Positions दोनों तरह आए हैं दोनों तरफ आए हैं लेकिन जो बिल्कुल जज्बात बदले हैं ना वो बहुत अच्छे बदले हैं और इंडियन इन्वेस्टर्स के फेवर में बदले हैं अगर आप ये देखोगे यहाँ पे अभी आपका ये रहा ट्रेंड ठीक है ये है डब्ल्यू पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न होता है माना जाता है हमारे स्टॉक मार्केट में फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है कोर्स ठीक है तो मैं मान रहा हूँ कि एक बार चालीस हजार का जोन तोड़ के मार्केट ऊपर पचपन के आसपास क्लोज हुआ था आफ्टर मार्केट के बाद कुछ दस पंद्रह सेकेंड का मार्केट जो चलता है उसमें अचानक से गिर गया सो आई बिलीव कि चालीस हजार के ऊपर मार्केट होना चाहिए अभी अचानक अगर आपको मार्केट गिर उठता हुआ दिखता है अभी प्लीज बाय मत कीजिएगा रीजन अभी ये सारे गैप ये सारे प्लेसेस ये सब रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे है ना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है जो हमारा फ्री कोर्स है वन वीक का फ्री uh, कोर्स रहता है उसके लिए अगर आपको एनरोल करना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए और हमारे टीम को कॉल बैक कर दीजिए uh, हमारा जो सपोर्ट टीम है आप हमारे वेबसाइट पे जाके भी हमारे सपोर्ट टीम को ईमेल कर सकते हैं

ठीक है कल मैं बहुत ही छोटे क्वांटिटी के साथ करूंगा अगर कल अचानक से गैप डाउन होता है तो मुझे बहुत अच्छा फॉल दिखने को मिल सकता है और ये जो ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ हो रहा है अगर ये टूट जाता है तो बहुत अच्छा फॉल वापस से मार्क, मार्केट के जज्बात बदल जाएंगे ये भी याद रखिएगा लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियोस बन रहा है उसके बाद भी इंडियन मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है पिछले डेढ़ साल दो साल में इन्फ्लेशन देखिए सब जगह है

ये ये सारे जो अच्छे-अच्छे न्यूज़ है, अच्छा है गाइस जब आप करते हैं, आपको फिशिंग कभी नहीं मिलती। आप, आप 39,000 में जब निफ्टी था, आप तब no Remember, अभी भी आप बैंक है बहुत अच्छे पोजीशन पे है आई बिलीव अगर ये वाला 16 सोलह सो का हाई निकलता है तो प्लीज एच डी एफ सी बैंक बाई कीजिए पंद्रह सौ तक का एसएल रखिए उसके 10 पॉइंट नीचे का ही रखिए ठीक है और मार्केट मुझे लगता है इतने गिरने के बाद भी एच बैंक उतना रिट्रेस नहीं हुआ तो अच्छा खासा पोजीशन है आपके पास एच डी एफ सी बैंक यहाँ से अच्छा खासा बढ़े और ऑल टाइम भी हमें HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं एम एन वन स्टॉक जिसको मैं कभी पिछले कुछ दिनों से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मैंने और फार्मा के बारे में भी बताया था एम एन एम में बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है कुछ दिन यहाँ हॉल्ट करेगा उसके बाद एक अच्छा खासा मूव आने वाला है ठीक है स्टॉक ऑलरेडी बहुत गिर चुका है आई वॉन्ट की आप इसमें रिट्रेसमेंट आ जाए आ, बात करते हैं निफ्टी की निफ्टी कंपेरिटिवली मेरे लिए अभी भी नेगेटिव है ठीक है उतना ज्यादा पॉजिटिव हुआ नहीं है कल अगर मार्केट नेगेटिव आता है तो मैं शॉर्ट करने के लिए अभी भी निफ्टी ही देखूंगा ये जो रीजन है ये जो आ, मतलब ये जो जगह है आप अगर ध्यान से देखोगे तो अभी भी ये 17,200 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा जब तक 17,200 नहीं निकलेगा आई एम सॉरी माई फ्रेंड यू नीड समाइम फॉर द मार्केट टू मूव अप

एस जी एक्स निफ्टी हल्का सा है? साइडवेज है? ही है अभी मुझे लगता है। और सबसे अच्छी बात जो है, और, आप अगर इस पे देखोगे ना, आपको इनके एडवांस चार्ट में एक चीज मिलेगा कि मंथ एंड मंथ बेसिस पे अगर आप मंथली डेटा देखोगे इनका ये आपको क्या दिख रहा है कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है ठीक है आप अगर NASDAQ में यही चीज देखोगे वन मोमेंट ये आपको ऐसा कुछ कैंडल दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि अब इस महीने को ये फरवरी का महीना था मार्च महीना अभी इसके आसपास है यहाँ ग्रीन कैंडल बन चुका है ठीक है आपको यहाँ शो नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ सम रीजन ठीक है ये ग्रीन कैंडल बन चुका है नेक्स्ट डे क्योंकि क्लोज यहां हुआ था अभी यहाँ पे है तो ऑलरेडी ये ग्रीन कैंडल बन चुका है ये एक ट्रेंड था ठीक है लोअर लोस बन रहे थे इधर आप देखेंगे ये देखिए लोअर लोस बन रहे थे ठीक है पहली बार इस लो को ब्रेक करने के बजाय इसने हाई को ब्रेक किया है मुझे लगता है अब ग्लोबल सिनेरियोस में भी थोड़ा रिलीफ आएगा एंड यस ऑन मंथ ऑन मंथ बेसिस कल हमारा ईयर एंडिंग ट्रेड है इस साल का आखिरी ट्रेड है ठीक है फाइनेंशियल ईयर का ऑफकोर्स सो यस आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू मेक प्रॉफिट ठीक है कल मार्केट बहुत डाइसी रहेगा Uh, मेरे हिसाब से अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो ट्रेड मत कीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो भी गैप ट्रेड मत कीजिए हाँ अगर साइडवेज खुलता है तो हाँ मार्केट के बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको अगर थोड़ा भी जगह दिखता है मार्केट साइडवेज खुलने के बाद uh, मान लीजिए साइडवेज खुला थोड़ा रिट्रेस किया और ऊपर जाने का पोजिशन आपको दिखा या फिर एक भी हायर हाई बना पांच या सात मिनट में और ये लेवल ब्रेक करता है इस जगह में या फिर जब ये रिटेस्ट करे पांच मिनट के कैंडल में तब आप बाय कीजिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी और में देखने को मिलेगा। पता नहीं है मैं चाहता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग एक बार फोर्टी वन थाउज फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास का लेवल क्रॉस करे फोर्टी में रेजिस्टेंस बना के फिर नीचे आए वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करे एज पर इंडियन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये चाहता हूं लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं जैसे ही मार्केट इस चीज को तोड़ेगा तो हो सकता है कि इस चीज को सपोर्ट बन के यहां से निकल जाए तो आप इस जगह में सेल नहीं कर सकते हो आपको सेल करने के लिए बहुत देर वेट करना पड़ेगा और परसों आप सेल कर पाओगे व्हिच इज नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इज मंडे ठीक है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट शॉर्ट मार्केट को साइड आपका कोई कुछ नहीं yes, आपको का भी मिलेगा. Month, अगर आप कमा के निकल रहे हो दैट इज मोर देन अगर आप टेन ट्वेल्व परसेंट फाइव परसेंट सेवन परसेंट भी कमा रहे हो आप कुछ तो कमा के निकल रहे हो यू आर ऑफ दी परसेंट पॉपुलेशन विच देयर इन मार्केट रिमेंबर दैट

And again, once again, happy Ram Namami to all of you. Take care of yourself and your family. I'll see you guys tomorrow. Bye bye for now.